आज हम बनाएंगे मैंगो पेड़ा। अभी गर्मियों का सीजन भी चल रहा है तो मैंगो से हम कई तरह की रेसिपी या फिर ड्रिंक ट्राई करते हैं, लेकिन ये वो काफ़ी यूनिक रेसिपी है जो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। इस मैंगो पेड़ा को बनाने के लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, झटपट से घर पर ही बनके तैयार हो जाते हैं और आप देख सकते हैं कितने यमी और डिलीशियस लग रहे हैं। तो आइए इन्हें झटपट से बना लेते हैं। मैंगो पेड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक रिप मैंगो का पल्प निकाल के ले लिया है। अब हम इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे आधा कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगी कि आप आधा कप चीनी का ही इस्तेमाल करें। फिर हम सभी चीज़ों की प्यूरी बना के तैयार कर लेंगे। प्यूरी है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे और लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए इसे ट्रांसपेरेंट यानी कि थिक होने तक पका लेंगे। आप जब मैंगो पल्प निकालें मैंगो से तो आप एक बार उसे चख लीजिएगा। अगर आप खट्टे मैंगो का मैंगो पेड़ा बना के तैयार करेंगे तो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। ये मैंगो पेड़ा खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं और ख़ास बात यह है कि झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। अभी गर्मियों का सीज़न भी चल रहा है तो हल्का फुल्का मीठा खाने का सभी का मन करता है, तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में सभी को काफ़ी पसंद आएंगे। अब आप देख सकते हैं जो मैंगो पल्प है वो हमारा कितना थिक हो गया है और साथ ही में ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इस स्टेज में इसमें ऐड करेंगे आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। इसे अब हम मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास सूखा नारियल है तो आप उसे भी कद्दूकस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, साथ ही में ये काफ़ी अच्छी बाइंडिंग देता है पेड़े बनाने के लिए। करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर इजीली किसी भी जनरल स्टोर पर मिल जाता है। मिल्क पाउडर को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और कंटिन्यू चलाते हुए इसे मावा जैसा टेक्सचर होने तक पका लेंगे। और साथ ही में अगर आपको ये मैंगो पेड़े की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही न्यू न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर है वो मावा की फॉर्म में आ गया है। मैंने इसमें मिल्क पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाया था। अब हम यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे रूम टेम्परेचर पे हल्का ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसे रूम टेम्परेचर पे हल्का ठंडा करके ले लिया है। अब हम झटपट से बना लेते हैं पेड़े। तो पेड़े आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े रख सकते हैं या फिर आप इन्हें लड्डुओं की शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के पेड़े बना के तैयार कर रही हूँ। अब पेड़ा है वो रेडी हो चुका है। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करूंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, इसे कोट कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं इसे कोट करने के बाद जो हमारे पेड़े की खूबसूरती है वो और भी दुगनी हो गई है। इसी तरीके से और भी पेड़े हैं हम बना के तैयार कर लेंगे। आपने नॉर्मल पेड़ा तो कई बार ट्राई किए होंगे, एक बार ये मैंगो पेड़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं तो आपके घर में सभी को काफ़ी पसंद आने वाले हैं। तो इस तरीके से बातों ही बातों में हमारे पेड़े हैं वो उनके तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें चॉप किए हुए पिस्ता से गार्निशिंग कर देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स में बनी हुई घर पर ही स्वादिष्ट सी दिखने वाली मिठाई, जिसे आप जब चाहें तब बना के एंजॉय कर सकते हैं। अभी तो मैंगो का सीजन भी चल रहा है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।